तो दोस्तों, एंटमैन एमसीयू का एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि ज्यादा पावरफुल न होने के बावजूद भी बहुत इम्पोर्टेंट एवेंजर है। इस हीरो की मूवीज हल्की फुल्की एक्शन कॉमेडी होने के बाद भी काफी इंटरेस्टिंग और टेक्निकल होती है, और इस सीरीज का दूसरा पार्ट यानी एंटमैन एंड द वॉस्प भी बहुत बढ़िया है, जिसकी आज हम बात करने वाले है। एमसीयू की इस 28 फिल्म में एंटमैन और उसके साथी क्वांटम रियल्म के एक मिशन को पूरा करते हैं, जिसका उनके भविष्य पर बहुत गहरा असर पड़ता है। आज मैं एंटमैन एंड द वॉस्प मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। इस फिल्म की स्टोरी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद की है। उस फिल्म में स्कॉट लैंग यानी एंटमैन ने कानून तोड़कर कैप्टन अमेरिका की मदद की थी, इसीलिए उसे जेल हो गई थी। लेकिन बाद में स्कॉट ने सरकार से ये मांग की कि उसे जेल में रखने की बजाय हाउस अरेस्ट की सजा दी जाए, ताकि वो अपनी छोटी बच्ची के करीब रह सके, जिसके लिए सरकार मान जाती है और स्कॉट को 2 साल के लिए उसके घर में ही कैद कर दिया जाता है। इसके अलावा पुलिस वाले अब हैंक पिम और उसकी बेटी होप को भी अरेस्ट करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी स्कॉट को दी थी जो कि कानून के खिलाफ था। पर हैंक और होप जेल नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए वो पुलिस से बच के भागते फिर रहे थे। इसके साथ ही वो जेनेट वैन डायन को क्वांटम रियल्म से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। हैंक की बीवी जेनेट, जो कि एक शील्ड एजेंट थी और उसे वॉस्प कहा जाता था, वो 1987 में एक मिसाइल को डिसेबल करने के लिए काफी छोटी हो गई थी और क्वांटम रियल्म के अंदर पहुंच गई थी, जिसके बाद सबने ये मान लिया था कि जेनेट मर चुकी है। लेकिन जब 2015 में स्कॉट लैंग क्वांटम रियल्म के अंदर जाकर वापस आया, तो इससे हैंक पिम को ये उम्मीद जागी कि उनकी बीवी जेनेट भी क्वांटम रियल्म के अंदर जिंदा हो सकती है और उसे वहां से वापस लाया जा सकता है। इसीलिए वो अपनी बेटी होप के साथ मिलकर एक क्वांटम टनल बनाने में लग गए, ताकि वो उससे क्वांटम रियल्म के अंदर जाकर जेनेट को ढूंढ सके। और फिर 2 साल की मेहनत के बाद यानी 2018 में हैंक और होप ने वो टनल बना ही ली। फिर जब उन्होंने उसे चालू किया, तो उससे 1 सेकंड के लिए क्वांटम रियल्म का रास्ता खुला और फिर वो टनल बंद हो गई, क्योंकि उस मशीन में अभी एक कमी थी। लेकिन उस 1 सेकंड में ही वहां पर बहुत बड़ा कमाल हो गया। उस टाइम पर स्कॉट अपने घर पे सो रहा था, और जब हैंक और होप ने उस टनल को ऑन किया, तभी स्कॉट को सपने में जेनेट नजर आई, और वो सपना बिल्कुल हकीकत जैसा था। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि 3 साल पहले जब स्कॉट क्वांटम रियल्म में गया था, तो उस टाइम पर जेनेट उसे टकराई थी और उसने स्कॉट के दिमाग में एक एंटीना लगा दिया था, ताकि वो उसे बात कर सके। पर क्वांटम रियल्म से बाहर निकलते ही उनका कनेक्शन टूट गया था। लेकिन अब जब फिर से एक बार क्वांटम रियल्म का रास्ता खुला, तो इससे जेनेट को मौका मिल गया और उसने तुरंत स्कॉट को एक सपना दिखाया, जिसे देखने के बाद स्कॉट इस बारे में हैंक और होप को बताता है। और वो दोनों, जिन्हें अब तक सिर्फ ये उम्मीद थी कि जेनेट जिंदा हो सकती है, अब उन्हें ये यकीन हो जाता है कि वो सच में जिंदा है और वो उन्हें मैसेज भेज रही है। इसलिए होप स्कॉट के घर जाकर उसे उठा लेती है, ताकि वो उसके दिमाग से जेनेट का मैसेज निकाल सके, और वो स्कॉट के हाउस अरेस्ट वाले ट्रैकर को एक बड़ी सी चींटी के पैर में लगा देती है, जिससे कि पुलिस को उस पर शक ना हो। स्कॉट के हाउस अरेस्ट को खत्म होने में अब सिर्फ 3 दिन ही बचे थे, इसीलिए वो कानून तोड़ना नहीं चाह रहा था। पर हैंक और होप उसे बोलते हैं कि एक बार उन्हें जेनेट की एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाए, तो वो उसे वापस घर छोड़ देंगे। इसीलिए स्कॉट उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन स्कॉट के जरिए जेनेट से कांटेक्ट करने के लिए उन्हें उस क्वांटम टनल को ज्यादा देर तक खुला रखना जरूरी था, पर वो टनल ओवरलोड की वजह से बराबर काम नहीं कर रही थी, और इस ओवरलोड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्हें एक स्टेबलाइजर की जरूरत थी, जो कि सिर्फ सनी बर्च नाम के एक आदमी के पास ही मिल सकता था। सनी बर्च ब्लैक मार्केट का एक टेक्नोलॉजी डीलर था, जिसके पास से होप ने अपनी क्वांटम टनल बनाने का सारा सामान खरीदा था, और हैंक और होप ने अपने इस टनल को एक बड़ी सी साइज चेंजिंग लैब के अंदर बनाया था। बर्च को पहले ये नहीं पता था कि होप कौन है और वो ये सामान क्यों खरीद रही है, लेकिन बाद में उसने हैंक और होप की जासूसी करके उनकी असलियत जान ली। इससे बर्च को पता चला कि उनके पास एक एडवांस क्वांटम टेक्नोलॉजी लैब है, जिसकी ब्लैक मार्केट में बहुत कीमत है। फिर जब होप उसके पास वो स्टेबलाइजर खरीदने आती है, तो बर्च उसे वो नहीं देता और वो होप से उनकी लैब खरीदने की बात करता है, पर वो उसे मना कर देती है। और तब होप उस स्टेबलाइजर को हासिल करने के लिए अपना नया वॉस्प सूट पहनकर वहां आती है, जो कि हैंक ने उसके लिए बनाया था।
और फिर वो बर्च और उसके आदमियों से लड़कर उनसे वो स्टेबलाइजर छीन लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब से सूट वाली लड़की आती है और वो होप से लड़ना चालू कर देती है। उस लड़की का नाम था एवा स्टार और वो हैंक पिम के एक पुराने साथी एलाया स्टार की बेटी थी। कई साल पहले एलायस और हैंक शील्ड में एक साथ क्वांटम टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, लेकिन बाद में एलायस ने अपने फायदे के लिए हैंक की रिसर्च को चुराना शुरू किया, इसलिए हैंक ने उसे शील्ड से निकलवा दिया, जिसकी वजह से एलायस ने अलग रहकर अपनी रिसर्च की और उसने खुद की एक क्वांटम टनल बनाई। पर वो टनल बहुत अनस्टेबल थी, इसलिए वो कुछ ही देर में ब्लास्ट हो गई, जिससे एलायस और उसकी बीवी मारे गए। पर उनकी बेटी एवा उस हादसे में बच गई, लेकिन उस क्वांटम टनल के रेडिएशन से एवा बिल्कुल अनस्टेबल हो गई। अब वो किसी भी चीज के आर पार जा सकती थी, लेकिन उसकी इनस्टेबिलिटी की वजह से उसे हर पल बहुत दर्द और तकलीफ होने लगी। तब एवा का ध्यान रखने के लिए हैंक पिम के एक और साथी बिल फॉस्टर सामने आए, जिन्होंने एवा को अपने पास रखा और उसे ठीक करने की जिम्मेदारी ली। इसके बाद एवा को शील्ड में भर्ती कर लिया गया और शील्ड वालों ने उसे ठीक करने के बहाने अपना एक एजेंट बना लिया। फिर उन्होंने एवा को एक खास सूट दिया, जिससे वो अपनी फेजिंग यानी अपनी आर पार जाने की ताकत को काबू कर सकती थी। इससे एवा घोस्ट के नाम से मशहूर हो गई और उसने शील्ड के कई सारे मिशंस पूरे किए। लेकिन फिर शील्ड के बंद होने के बाद एवा की तकलीफ और बढ़ गई और तब बिल फॉस्टर ने उसका इलाज करने के लिए एक क्वांटम चेम्बर बनाया। उससे एवा की हालत थोड़ी सुधरी, लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई। एवा अपनी इस हालत के लिए हैंक पिम को जिम्मेदार मानती थी, क्योंकि हैंक की वजह से उसके पिता की नौकरी गई और उन्होंने वो जोखिम भरा काम किया, इसीलिए एवा हैंक को जान से मारना चाहती थी। पर बिल फॉस्टर ने उसे ऐसा नहीं करने दिया, क्योंकि उनका ये मानना था कि हैंक उसके काम आ सकता है। तब से एवा ने हैंक और उसके करीबी लोगों पर नजर रखना शुरू कर दिया था। फिर कुछ ही टाइम बाद उसे ये पता चला कि हैंक और होप जेनेट को क्वांटम रियल्म से बाहर निकालने के लिए एक टनल बना रहे हैं। इससे बिल और एवा ने ये अंदाजा लगाया कि जेनेट 30 साल से क्वांटम रियल्म में रह रही है, जिससे उसके अंदर बहुत सारी क्वांटम एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई होगी और उस एनर्जी से एवा का इलाज किया जा सकता है। इसीलिए बिल और एवा ने अपने क्वांटम चेम्बर से उस क्वांटम टनल को कनेक्ट करके जेनेट की एनर्जी निकालने का प्लान बनाया। और फिर जब हैंक की वो टनल पूरी तरह तैयार हो गई, तब एवा होप से वो स्टेबलाइजर और उनकी पोर्टेबल लैब छीनने के लिए पहुंच जाती है और वो उससे लड़ना चालू करती है। तब हैंक स्कॉट को एक नया एंटमैन सूट देते हैं और वो होप की मदद करने चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी एवा वो लैब और स्टेबलाइजर लेकर भाग जाती है। और तब हैंक, होप और स्कॉट उस लैब को ढूंढने के लिए बिल फॉस्टर से मदद मांगने जाते हैं, पर उन तीनों को ये नहीं पता था कि बिल एवा के साथ मिला हुआ है। फिर बिल उन्हें उस लैब को ट्रैक करने का एक तरीका बताता है, क्योंकि वो ये चाहता था कि हैंक उस लैब को ढूंढते हुए एवा के घर पहुंच जाए, जहां वो हैंक से जबरदस्ती एवा को ठीक करवा सके। इसके बाद हैंक, होप और स्कॉट उस लैब को ढूंढने निकल जाते हैं, पर इसके लिए उन्हें एंटमैन के पुराने सूट की जरूरत थी, जो कि स्कॉट ने अपनी बेटी कैसी की एक ट्रॉफी में छुपा कर रखा था। इसीलिए स्कॉट और होप कैसी की स्कूल जाकर उस ट्रॉफी में से वो सूट निकाल लेते हैं और वो उसकी मदद से अपनी लैब को ट्रैक कर लेते हैं। फिर वो उस लैब को लेने के लिए एवा के घर पहुंच जाते हैं, जहां बिल और एवा उन्हें किडनैप कर लेते हैं और वो हैंक को एवा की बीमारी के बारे में बताकर बोलते हैं कि वो लोग उस क्वांटम टनल से जेनेट की एनर्जी खींचना चाहते हैं, जिसमें उन्हें हैंक और स्कॉट की मदद चाहिए। पर हैंक इसके लिए मना कर देते हैं, क्योंकि इससे जेनेट मर सकती थी। फिर वो तीनों एवा और बिल को चकमा दे के वो लैब लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और वो किसी अनजान जगह पर जाकर उस स्टेबलाइजर के साथ फिर से अपनी क्वांटम टनल को चालू करते हैं, जिससे वो टनल कुछ देर तक खुली रहती है और फिर बंद हो जाती है, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग में कुछ गड़बड़ थी। लेकिन इस बार उस टनल के ज्यादा देर तक खुले रहने से जेनेट स्कॉट से अच्छी तरह कनेक्ट हो जाती है और वो स्कॉट की बॉडी के जरिए हैंक और होप से बात करती है। फिर वो उस मशीन की प्रोग्रामिंग को ठीक कर देती है, जिससे उन्हें क्वांटम रियल्म के अंदर जेनेट की एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है, जो कि सिर्फ 2 घंटे तक ही वैलिड थी। उसके बाद वो जेनेट को 100 साल तक नहीं ढूंढ सकते थे। दूसरी तरफ सनी बर्च और उसके आदमी हैंक, होप और स्कॉट को ढूंढ रहे थे, ताकि वो उनसे वो लैब छीन सके। इसीलिए वो स्कॉट के दोस्त लुइस के पास जाकर उससे ये उगलवा लेते हैं कि स्कॉट कहाँ है।
तभी घोस्ट यानी एवा भी वहां आकर स्कॉट की लोकेशन जान लेती है और वो उस जगह पर जाने के लिए निकल जाती है। तब सनी बर्च एवा से पहले उस लैब को हासिल करने के लिए FBI वालों को ये बता देता है कि स्कॉट, होप और हैंक कहां पर है, क्योंकि एक FBI एजेंट बर्च के लिए काम करता था जो कि उसे वो लैब लाकर देने वाला था। इसके बाद लुइस स्कॉट को ये बता देता है कि FBI वाले वहां पर आ रहे हैं। इसीलिए स्कॉट वापस अपने घर चला जाता है, लेकिन हैंक और होप के भागने से पहले ही FBI वाले वहां आकर उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर बर्च के पहचान वाला वो FBI एजेंट उस लैब को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन एवा उससे वो लैब छीनकर भाग जाती है। और फिर बिल और एवा अपने क्वांटम चेंबर को उस टनल से जोड़ना शुरू करते हैं। उधर जब स्कॉट को ये पता चलता है कि हैंक और होप गिरफ्तार हो गए हैं, तो वो अपना सूट पहनकर पुलिस स्टेशन जाता है और वो उन्हें वहां से बाहर निकलवा लेता है। फिर वो तीनों उस लैब को ट्रैक करके उसके पास पहुंच जाते हैं और वो लुइस को भी अपनी मदद के लिए वहां बुला लेते हैं। इसके बाद स्कॉट एवा का ध्यान भटकाने के लिए उसे लैब से बाहर निकाल कर उससे लड़ना शुरू करता है। उतनी देर में हैंक एक स्पेसशिप से क्वांटम रेल के अंदर चले जाते हैं और उनके अंदर जाते ही होप और लुइस उस लैब को छोटा करके वहां से निकल जाते हैं। लेकिन तभी सनी बर्च और उसके गुंडे वो लैब लेने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। फिर एवा भी वहां आ जाती है और तब स्कॉट, होप और लुइस उस लैब को बचाने के लिए भागने लगते हैं। फिर काफी देर तक पूरे शहर में उनके बीच पकड़ा पकड़ी चलती है, लेकिन आखिर में वो लैब बर्च को मिल जाती है जो कि उसे लेकर एक समुद्री जहाज में सवार हो जाता है। दूसरी तरफ हैंक पिम क्वांटम रेल्म के अंदर पहुंच जाते हैं, पर वहां उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। तभी जेनेट वहां आती है और वो अपनी पावर से हैंक का दिमाग ठीक करती है, क्योंकि सच में जेनेट के अंदर बहुत सारी क्वांटम एनर्जी जमा हो गई थी और वो अब विकसित हो गई थी। फिर वो दोनों उस स्पेसशिप में बैठकर वहां से बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि बाहर की दुनिया में उनकी वो लैब अभी साइज में छोटी थी। इसीलिए उधर स्कॉट जायंट मैन बनकर बर्च से वो लैब छीन लेता है, पर तभी एवा वहां आती है और वो उस लैब को बड़ा करके उसमें घुस जाती है। इससे जेनेट और हैंक को मौका मिल जाता है और वो क्वांटम रेल्म से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन फिर एवा अपने क्वांटम चेंबर से जेनेट की एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू करती है, जिससे जेनेट की जान खतरे में आ जाती है। और तब स्कॉट और होप वहां आकर एवा के चेंबर को बंद कर देते हैं और वो उससे लड़ाई करना चालू करते हैं। उतनी देर में हैंक और जेनेट बाहर निकल जाते हैं और फिर जेनेट खुद अपनी मर्जी से एवा को अपनी थोड़ी एनर्जी देती है ताकि उसका दर्द कुछ कम हो सके, और वो उसे पूरी तरह ठीक करने का वादा करती है। इसके बाद वो सब लोग वहां से भागना शुरू करते हैं क्योंकि पुलिस वहां पर आने वाली थी। तब हैंक, होप और जेनेट वो लैब लेकर वहां से निकल जाते हैं और स्कॉट सही टाइम पर अपने घर पहुंच जाता है। इसके अलावा बिल और एवा भी साथ में कहीं चले जाते हैं। फिर एक दो दिन के बाद स्कॉट की हाउस अरेस्ट की सजा खत्म हो जाती है और वो खुशी खुशी अपने परिवार और दोस्तों के साथ रहना शुरू करता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें स्कॉट, होप, हैंक और जेनेट नजर आते हैं। उन सब ने मिलकर अब एक पोर्टेबल क्वांटम टनल बना ली थी ताकि वो आसानी से अपनी रिसर्च और काम कर सके। फिर स्कॉट एक स्पेशल कंटेनर लेकर क्वांटम रेल्म के अंदर जाता है और वो उसमें बहुत सारे क्वांटम हीलिंग पार्टिकल्स जमा कर लेता है ताकि वो लोग उससे एवा का परमानेंट इलाज कर सके। लेकिन तभी बाहर की दुनिया में हैंक, होप और जेनेट धूल बन जाते हैं, क्योंकि उस वक्त थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल करके यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को मार दिया था। इसी वजह से हैंक, होप और जेनेट धूल बन गए, और क्योंकि वही लोग स्कॉट को बाहर निकालने वाले थे, इसीलिए अब उनके गायब होने से स्कॉट क्वांटम रेल्म के अंदर फंसा रह जाता है। तो दोस्तों, ये थी एंटमैन एंड द वॉस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके।